मैं पीछे डायरेक्ट गया रूम में, कोई है नहीं। फिर मुझे ध्यान में आया खून पूरा पड़ा था, पूरे मुझे हिम्मत नहीं हुआ कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। 1 घंटे से फ़ोन कर रहा हूं पुलिस को, 100 नंबर ना 108, कोई नंबर ही नहीं लग रही थी। वो ये सब हो जाने के बाद वो सिपाही जग के ऊपर आया, फिर मैं बोला यार किसी का नंबर हो तो बोलो पुलिस वाले का। वो बोला पुलिस वाले का नंबर नहीं है। मैं बोला गणेश राजभर जो यहाँ पर रहता है उसका भी तो नंबर होगा, बोला है ही नहीं है। फिर उसके बाद से हम लोग फ़ोन कर करके सभी मोहल्ले के लोग फ़ोन किए, उसके बाद से कुछ नहीं हुआ, वो लोग चले गए। हम लोग बॉडी लेके यहाँ पे ट्रामा पे आए हूँ। जैसे कि बताया गया है कि किसी रंजिश को लेकर के वहाँ पर जो है उन्होंने वो लोग इन पे हमलावर हो गए और इनको घायल अवस्था में यहाँ ट्रॉमा सेंटर लाया गया जहाँ इन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। इसमें पुलिस ने कई टीमें इसमें लगा दी गई हैं धरपकड़ के लिए और जो इसमें डिटेल्स हैं वो खंगाली जा रही हैं। और जैसा कि मौके से जो सूचना आई थी कि दो लोग यहाँ पर आए थे मिलने के लिए, वो दो लोग कौन थे, यदि परिचित थे तो कौन थे और परिचित नहीं थे तो कौन थे, इन सभी पहलुओं पर एक जो है जांच की जा रही है और शीघ्र इनका धरपकड़ करके इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। और सिक्योरिटी गार्ड भी था उनके साथ। जैसा कि मैंने बताया जो दो लोग आए वो ऐसा जो कुछ सबको वहाँ पे ये एक आभास हुआ कि ये परिचित हैं, पहले से जानते होंगे, लेकिन ये विवेचना का विषय है। उसमें गार्ड जो था वो नीचे ही था ग्राउंड फ्लोर पे और ये लोग फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर जो है ये घटना स्थल है। सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जो भी बातें सामने आएंगी आप लोगों को आगे और डिटेल में फिर बताएंगे। और इस